दलित बेटा घोड़ी पे बैठे, उसे चिंता नहीं हो कि कोई मेरी घोड़ी रोक लेगा। अगर इस सोच के लोग राजस्थान के अंदर है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि अपनी सोच बदल ले, क्योंकि आरएलपी की और गठबंधन की सरकार आ गई तो 24 घंटे के अंदर सोच अपने आप ही बदल जाएगी, जिससे कोरोना के बाद लोगों की भूल पड़ने लगी। पड़ी कि नहीं पड़ी आपको पता है, इतने इंजेक्शन दिए कि भूल पड़ने लगी लोगों के अंदर। ये मोदी जी ने करवाया सारा। भाइयों, आज 18 से 23 का जो हमारा सफर है, 5 साल के अंदर मैंने कुनबे को बढ़ाने का प्रयास किया, और 18 के चुनाव का आप बता दूं, मैंने 2-3 ऐसे उम्मीदवारों का प्रचार किया जो आरएलपी से नहीं लड़ रहे थे, कांग्रेस बीजेपी से लड़ रहे थे। उनके प्रचार केंद्र भी गया था, कांग्रेस बीजेपी को हराओ, ये किसान के बेटे हैं, इनको जिताओ। 5 साल के सफर के अंदर इस कुनबे को आगे बढ़ाते हुए 3 विधायक, 1 सांसद, 5 प्रधान और 1 म्युनिसिपलिटी का चेयरमैन बना के साबित कर दिया कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सिर्फ गांव की पार्टी नहीं है, वो शहरों की पार्टी भी है। उपचुनाव के अंदर आरएलपी के बढ़ते प्रभाव को राजस्थान की जनता ने नजदीक से देखा, जब मेवाड़ के बल्लभ नगर के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 50,000 वोट लेके दूसरे स्थान पर थी और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करा दी थी। कोटपुतली 30,000 18 में, नीम का थाना 27,000, सीकर 30,000, भीलवाड़ा का असिंध के अंदर 40,000 से ज्यादा, कपासन में 30,000, चोमू में छोटे भाई छुट्टन यादव बैठे हैं 40,000, ऐसे करके बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और जो उपचुनाव है राजस्थान के अंदर, उन उपचुनाव में सरदार शहर के अंदर 47,000, सुजानगढ़ में 33,000, साड़ा और तमाम जगहों पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने साबित किया कि राजस्थान का अगर कोई तीसरा मोर्चा है, इन दोनों पार्टियों के खिलाफ मजबूती से कोई लड़ाई लड़ सकता है, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है जो तीसरे विकल्प के रूप में आगे बढ़ सकती है। जब 23 का चुनाव आया, ये चुनाव के अंदर सबकी इच्छा थी कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से आरएलपी का गठबंधन हो। वैसे बसपा ने भी 2 बार 6-6 सीट जीती थी यहां पे, वो भी संघर्ष कर रहे हैं अपना। दुर्भाग्य से दोनों बार कांग्रेस, आप लड़ो हम आपके साथ हैं, मैं मेरे भीम आर्मी के और आजाद पार्टी के भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं, ये गठबंधन जो हमारा हुआ है, ये कोई 2-4 महीने का नहीं हुआ, ये परमानेंट गठबंधन हो गया। जब तक हमारे शरीर के अंदर ताकत है, जान है, हम एक दूसरे के लिए लड़ेंगे, प्रयास करेंगे। सत्ता के शिखर पे आप लोग कैसे पहुंचो, सचिवालय के अंदर फैसले आपके इशारे पे कैसे हो, जब किसी किसान के खेत की फसल खराब हो रही हो तो मुझे सरकार की तरफ नहीं देखना पड़े कि सरकार मुझे मुआवजा देगी, अपने आप ही उस फसल का मुआवजा उस किसान के खाते के अंदर आ जाए। जब रोज डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी होगी,